दोस्तों नमस्कार, ये गाड़ी डैटसन रेडिगो है और ये चली हुई है 39,119 किलोमीटर। इस गाड़ी के अंदर एक DTC आता है P0563 और उसके आते ही गाड़ी के अल्टरनेटर के आउटपुट जो हैं, जो 14.5 वोल्ट होने चाहिए, वो एकदम 17 तक चले जाते हैं और जाते ही सारे मॉड्यूल का कम्युनिकेशन ख़राब हो जाता है। इस गाड़ी के अंदर ECM है और मीटर है और पावर स्टीयरिंग है, ठीक है, और एयरबैग की और ECM की लाइट आ जाती है। तो अभी देखिए, जैसे ही गाड़ी चल रही है, अभी रोड टेस्ट हम कर रहे थे, तो ये देखो चेक इंजन लाइट और एयरबैग की लाइट दोनों आ गई हैं और साथ ही साथ इसमें बैटरी की लाइट भी शो करेगी, बैटरी की लाइट भी ब्लिंक करेगी। तो इसीलिए हमें डाउट जा रहा है इसके अल्टरनेटर पर, और अल्टरनेटर पर डाउट गया था, इसी वजह से हम अल्टरनेटर खोलेंगे। और गाड़ी बिल्कुल भी पिकअप नहीं लेती है, एक्सेलेटर पैडल को कितना भी टाइट आप दबा लो, छोड़ दो या कुछ भी कर दो, एक ही स्पीड पर चलती रहती है, ठीक है। और अभी मैं इसमें आगे भी आपको दिखाता हूँ। दूसरा, आप सही से देखो, बैटरी की लाइट और चेक इंजन लाइट और एयरबैग की लाइट, ये तीनों लाइट आ जाती है और पिकअप तोड़ देती है गाड़ी। इसकी वजह से पहले हमने अल्टरनेटर के ऊपर एक्सटर्नल चीज़ें चेक की, कभी अल्टरनेटर डैमेज हो रखा हो या पुली में कोई डैमेज हो, बेल्ट प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर साथ ही साथ हमने इसकी अल्टरनेटर के कनेक्टर जो हैं, अल्टरनेटर के ऊपर एक कनेक्टर रहता है और मेन वायर रहती है, उनको भी प्रॉपर चेक किया। कनेक्टर पे दो वायरिंग रहती है, वहाँ से ECM तक की वायरिंग की कंटिन्यूटी प्रॉपर चेक की, सिग्नल चेक किए, स्टार्ट करके गाड़ी को कितनी वोल्टेज शो कर रहा है, वहाँ तक कितना सप्लाई आ रही है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम श्योर हो गए कि इसके अल्टरनेटर के अंदर ही अब फॉल्ट लग रहा है। तो फिर हमने इसका अल्टरनेटर को खोलने के लिए तैयारी करी। अब इसके अल्टरनेटर को खोलेंगे और खोलने के बाद हम बढ़िया से इसको रिपेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके नेगेटिव टर्मिनल को भी खोलेंगे और हमने ये भी चेक किया कि ECM के कनेक्टर जो हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं है, कोई रस्ट वगैरह इसके ऊपर जमा हुआ है तो नहीं, ठीक है। साथ ही साथ इसका ये हॉर्न है, हॉर्न भी आउटसाइड इसमें लगा हुआ है गाड़ी में, तो इसके हॉर्न को भी हम ठीक करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आज आपको ये फॉल्ट हम दिखाएंगे। फॉल्ट बहुत ही पेचीदा है। कस्टमर साहब जो हैं गाड़ी लेके फरीदाबाद से आए थे और इन्होंने कई जगह पे डीलर एंड पे भी इसको अल्टरनेटर इस फॉल्ट को दिखाया था, लेकिन उन्होंने बोला गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और ये फॉल्ट बहुत ही गंभीर है, इसको चेक करना पड़ेगा, बड़ा टाइम लगेगा इसको करने में। तो आज देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम इसका पूरा आगे से बम्पर उतारेंगे, क्योंकि बम्पर उतर जाएगा तो आराम से अल्टरनेटर इसका बाहर आ जाएगा, और खोलते हैं एक बार, देखते हैं क्या मिलता है। तो अल्टरनेटर को खोलने से पहले हमें क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल को निकाल देना है, क्योंकि 12 वोल्ट सप्लाई रहती है इसके अल्टरनेटर का, जो मेन कनेक्टर है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसको निकाल दो या ऑटोमेट, भाई कोई भी इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हो तो सबसे पहले बैटरी का कनेक्शन हटा दो। अब इसको हम खोल रहे हैं। तो अब इस अल्टरनेटर को खोलने के लिए हमें सिर्फ आगे से बम्पर खोल लिया ही है हमने, 2 बोल्ट रहते हैं इस अल्टरनेटर के ऊपर, एक ये ऊपर हो गया और एक ये सामने की तरफ नीचे हो गया, ये 2 बोल्ट खोल दो, ये अल्टरनेटर बाहर आ जाता है खुल के, बेल्ट उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बोल्ट खोलते ही ये नीचे आ जाता है, बेल्ट ऑटोमेटिक उतर जाती है। अब इसको बाहर निकाल लिया हमने, इसकी सामने से हम पुली देखेंगे तो पुली एकदम परफेक्ट लग रही है, कोई इसमें दिक्कत में महसूस नहीं हो रही है। अब इसको खोलते हैं पीछे का टापा, इसका टापा खोलने के बाद देखते हैं कौन सी चीज़ इसके अंदर ख़राब निकली है। तो ऊपर आप देख रहे होंगे दो इस पे रेक्टिफायर और डायोड, जो इसका कटआउट लगा हुआ है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो हमें सिर्फ ये इसका कटआउट रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस कर दिया है हमने एक्चुअली, और करने के बाद अब हम अल्टरनेटर को गाड़ी में फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद देखते हैं क्या आता है। इसका होता क्या है, इसके अंदर ना यहाँ ये रबड़ आप देख रहे हो इसके ऊपर, ये अभी मैं इसको निकालता हूँ ज़रा रबर को, इस रबर के अंदर यहाँ पर देखो, ये अभी रबर में निकाल दिया तो इसके अंदर यहाँ देखो जगह नहीं होती, और जैसे इसमें पानी भरता है, पानी भरते ही ये शॉर्ट हो जाता है और एक्स्ट्रा वोल्टेज देने लगा। तो भाई अल्टरनेटर रिपेयर करके, कटआउट रिप्लेस करके अभी गाड़ी को स्टार्ट किया है, देखो RPM इसके, ठीक है, और ऑटोमेटिक चेक इंजन लाइट चली गई है। अभी 24 है और रोड टेस्ट करते हैं भाई बहुत बढ़िया तरीके से। वैसे 11 पे गाड़ी आई थी, मैंने चलाई भी थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं आई थी, और अभी देखते हैं, रोड टेस्ट करेंगे अब, क्योंकि अल्टरनेटर हमने कर दिया है ओके। उसकी वोल्टेज वगैरह में सारी चीज़ें अभी आपको दिखा देता हूँ, पहले मैंने स्टार्ट ही किया है। तो अभी चेक करते हैं बैटरी की वोल्टेज कितनी दिखा रहा है मल्टीमीटर में। अभी जब बैटरी ख़राब थी, मतलब प्रॉब्लम थी गाड़ी के अंदर, तो 12.69 जो दिखा रहा है ना ये तो ओके है, लेकिन उस टाइम पर 15 वोल्ट दिखा रहा था बैटरी कहीं इंजन बंद कंडीशन पर। अभी हमने इसका अल्टरनेटर को रिपेयर करवाया है और ये देखो अभी बैटरी के वोल्टेज प्रॉपर शो कर रहा है। अभी गाड़ी को स्टार्ट भी करेंगे 13.5 से 14.5 से नीचे रहनी चाहिए वोल्टेज, तो बिल्कुल ओके है। अभी स्टार्ट करते हैं ज़रा गाड़ी को, तो स्टार्ट करवाते हैं ज़रा गाड़ी, इससे अल्टरनेटर का आउटपुट निकल के आएगा।
बढ़िया। तो अभी अल्टरनेटर का आउटपुट ये देखो 13.65 या 75, 14 तक भी जाएगा ये, ठीक है ना। और ये अल्टरनेटर के आउटपुट है, तो ये बहुत बढ़िया वोल्टेज शो हो रहे हैं। पहले 17 तक जा रहा था जब वोल्ट गाड़ी में प्रॉब्लम था, 17 तक। और उसी की वजह से होता क्या था, क्योंकि वोल्टेज 12 रहते हैं या 14.5 तक रहते हैं, 14 तक जब वोल्टेज का आउटपुट बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो ECM, BCM, CAN लाइन के सिग्नल के थ्रू प्रॉब्लम कर रहे थे, ECM, एयरबैग और EPS, तो इसी वजह से क्लस्टर के अंदर लाइट आ जाती थी। ये सब करने के बाद गाड़ी का रोड टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या अभी इसमें इशू आता है, ठीक है। वैसे तो अभी प्रॉपर एकदम ओके हो गई है गाड़ी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो अभी भाई फिर से मैं 9.1 किलोमीटर का रोड टेस्ट करके आया हूँ, कोई लाइट नहीं आई भाई। स्टार्ट भी कर लेते हैं गाड़ी को, ठीक है। अब एकदम परफेक्ट हो गई है मेरे हिसाब से तो यार, क्योंकि 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर में चला के लेके आ गया गाड़ी को, अभी बिल्कुल सेट है। और सर फीडबैक देंगे, साफ फीडबैक देंगे, अभी क्या है सर, कैसी लगी? नहीं बिल्कुल, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसके पीछे 3-4 जगह मैं पहले फरीदाबाद में भी दिखा लिया, किसी ने मना कर दिया कि होगा ये बदलना पड़ेगा वो बदलना पड़ेगा, और आखिरकार मैं सौरभ जी का जो है फैन भी हूँ, यूट्यूब पे कई बार मैंने इनको जो है बहुत चीजें मतलब इनसे सीखी भी हैं कई बार गाड़ी को लेकर, और खासतौर पे मेरे पास डैटसन है 7 साल से, तो उसको देखते हुए मतलब चीजें सीखी भी हैं। और पहले भी आया था मैंने, पहले भी कुछ पेट्रोल पंप का फिल्टर का इशू था, जबकि बाकी एजेंसी वाले मुझे कहते रहे कि पूरा पेट्रोल फ्यूल पंप चेंज करना पड़ेगा, पर इन्होंने मेरा मात्र 300 रुपये में 350 रुपये में काम वो कर दिया, तो मैं इनसे पहले से ही संतुष्ट हूँ। और अभी इन्होंने और ये समस्या का समाधान कर दिया, बाकी अभी तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, चलाते हैं देखते हैं जी, फिर इनसे मुलाकात करते हैं, धन्यवाद। चलो अभी तो ठीक है, और सर चलाएंगे गाड़ी को और देखते हैं भाई क्या आता है, जैसा भी होगा बात करते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, सर्किट हाई का वोल्टेज हाई का प्रॉब्लम आ रहा था, GP0563 कोड DTC, और उसके अकॉर्डिंग हमने अल्टरनेटर को रिपेयर किया है, अभी तक कोई लाइट नहीं आई यार, बढ़िया हो गई गाड़ी यार। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, बाय।